Hello everybody, we'll continue with the subject surveying. We'll be discussing a new topic today called compass surveying. आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि थियोडोलाइट डिस्कस किया जाए, बट थियोडोलाइट के लिए प्री रिक्विजिट है कंपस सर्विंग. सो कंपस सर्विंग कंप्लीट करके हम थियोडोलाइट पे आ जाएंगे. अभी तक हमने चेन सर्विंग, प्लेट टेबल सर्विंग, लेवलिंग और कॉन्टूरिंग पे डिटेल में डिस्कशन कर लिया है. अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक को रेफर करना है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्या है कि आप जब सर्वेइंग कर रहे हैं तो सर्वेइंग करने के दो मेथड्स होते हैं, जो बेसिक मेथड्स होते हैं. एक को बोला जाता है ट्रायंगुलेशन और दूसरे को बोला जाता है ट्रिवर्सिंग. ट्रायंगुलेशन हमने डिस्कस किया है चेन सर्वेइंग में. जो चेन सर्वेइंग का बेसिक है वो क्या है, ट्रायंगुलेशन, जो उसके जो मेथड यूज किया जाता है चेन सर्वेइंग में. तो ट्रायंगुलेशन क्या होता है ब्रीफली देखते हैं. इसमें आपके पास जो भी एरिया है, जो भी एरिया का आपने सर्वे करना है, उसको हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. ट्रायंगल्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि आप इन ट्रायंगल्स की लेंथ मेजर कर लेंगे और इन लेंथ से आपको तीनों साइड्स का, अगर आपके पास तीनों लेंस है तो आप तीनों साइड्स को डिटरमिन कर सकते हैं और इस तरीके से आप पूरे एरिया को सर्वे कर सकते हैं. सो दिस इज द मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन, जिसमें आप एक नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म करते हैं और इस नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स की हेल्प से आपने क्या प्रिपेयर कर दिया है, एक मैप प्रिपेयर कर दिया है. अब ये ट्रायंगुलेशन जो है ये कहाँ कहाँ पे सूटेबल होती है, ये सूटेबल होती है जब आप किसी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं. जहां पे एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, उधर आपको ट्रायंगुलेशन मेथड यूज नहीं करना चाहिए. छोटे एरिया के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टीडियस मेथड है, थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड मेथड है, तो छोटे एरिया के लिए ये अच्छा रहता है. लेवल, जो सरफेस है, जो क्रॉस सेक्शन है, वो कैसा होना चाहिए, लेवल होना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा अंडुलेशंस है, अंडुलेशंस मतलब बहुत ज्यादा, अगर क्रॉस सेक्शन इस तरीके का है कि बहुत उतराई चढ़ाई है, तो वहां पे आप ट्रायंगुलेशन यूज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी उसकी डिक्रीज हो जाएगी. ओपन एरिया विद सिंपल डिटेल्स. ओपन एरिया जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, ओपन एरिया है और डिटेल्स क्या है, सिंपल है. मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया नहीं है, या इस तरीके से कुछ क्लस्टर्स में नहीं है प्रेजेंट कि आपको ट्रायंगल्स बनाने में दिक्कत है. तो ये होगी बात ट्रायंगुलेशन की, जिसके ऊपर पूरा चेन सर्वेइंग बेस्ड है और ये हमने डिटेल में डिस्कस करा है पहले के लेक्चर्स में. अब बात करते हैं ट्रिवर्सिंग की. तो जो कंपस सर्वेइंग होती है, वो कंपस सर्वेइंग डिपेंड करती है, या पूरा उसका जो बेस है वो क्या है, ट्रिवर्सिंग. तो ट्रिवर्सिंग में हम क्या करते हैं, द एरिया इज सर्वेड बाय कनेक्टिंग सर्वे लाइंस ऑफ नोन लेंथ एंड डायरेक्शन. अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एरिया था, इस एरिया को हमने सर्वे करना है. तो यहाँ पे जब आप ट्रिवर्सिंग की बात करेंगे, तो ट्रिवर्सिंग में बोला जा रहा है कि आप क्या करेंगे, सर्वे लाइंस ड्रॉ करेंगे और उन सर्वे लाइंस की जो लेंथ होगी और जो डायरेक्शन होगा वो आपको नोन होगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से एक ट्रिवर्स बनता है. आपने ये क्या करा है, आपने ये लाइंस ड्रॉ करी है. तो अगर मैं इनको पॉइंट्स को नाम दे दूं, ए बी, ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, डी ई एक लाइन है, ई एफ एक लाइन है और एफ ए एक लाइन है. अब ये जो सारी लाइंस हैं, इनकी जितनी भी लेंथ है, अगर ए बी की बात करें तो एल वन बोल सकते हैं, इसको एल टू बोल सकते हैं एंड सो ऑन. ये सारी लेंथ हमें पता होंगी, अगर नहीं पता होंगी तो हम मेजर कर लेंगे. साथ में एक और चीज जो हमें पता होना चाहिए, जब हम ट्रायंगुलेशन मेथड, सॉरी ट्रैवर्सिंग मेथड यूज करते हैं, दैट इज जो इनके बीच का एंगल है. तो ये लाइंस क्या एंगल बना रही हैं, अब ये थोड़ा हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इन एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि डन व्हेन ट्रायंगुलेशन इज नॉट पॉसिबल. अगर सपोज कीजिए बीच में जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रखी है और ट्रायंगल्स फॉर्म करना हमारे लिए मुश्किल है, या फिर बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड, डीप डेंस फॉरेस्ट है, वहां पे भी ट्रायंगुलेशन करना अगर हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम कौन सा मेथड प्रिफर करेंगे, हम ट्रिवर्सिंग प्रिफर करेंगे. द लेंथ ऑफ द लाइंस आर मेजर्ड यूजिंग अ चेन और अ टेप. तो ये जो भी L1, L2, L3 एंड सो ऑन है,
इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, चेन या फिर टेप की हेल्प से। और जो डायरेक्शन है लाइंस का, जो ए बी लाइन का जो डायरेक्शन है, वो हम कंपस या थियोडोलाइट इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेवर्सिंग में एंगुलर मेजरमेंट भी करनी होगी और साथ में हमें क्या मेजर करना होगा, लेंथ मेजर करना होगा। जबकि ट्रायंगुलेशन में हमें क्या मेजर करनी होती थी, सिर्फ लेंथ मेजर करनी होती थी। क्लियर? तो एक बेसिक डिफरेंस जो ट्रायंगुलेशन और ट्रेवर्सिंग में है कि ट्रेवर्सिंग आप कॉम्प्लिकेटेड एरियाज के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ट्रेवर्सिंग में आपको लेंथ और एंगुलर मेजरमेंट दोनों करनी होगी, जबकि ट्रायंगुलेशन में आपको सिर्फ क्या मेजर करनी होती थी, लेंथ मेजर करनी होती थी। ट्रायंगुलेशन पे बेस्ड है चेन सर्विंग और ट्रेवर्सिंग पे बेस्ड है सिंपली अभी कंपस सर्विंग। सो व्हाट इज अ ट्रेवर्स? अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस फॉर्म अ ट्रेवर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ लाइंस है जो क्या कर रही है, जिनको आप आपस में कनेक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक ट्रेवर्स फॉर्म कर रहे हैं। इसे बोला जाता है ट्रेवर्स। अब सिंपल सी बात है, हम देख के बता सकते हैं कि जो ट्रेवर्स है वो बहुत सारी लाइंस को कनेक्ट करके बनाया जा रहा है, बट हर लाइन का जो है कुछ लेंथ है और कुछ उसका डायरेक्शन है। तो लेंथ तो हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन मैंने मार्क कर दिया है। तो ये हर लाइन की अपनी एक पर्टिकुलर लेंथ है और उसका एक डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन कैसे लिया जाता है? द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एंगल एट विच इट इज इंक्लाइंड ईदर टू इट्स एडजेसेंट लाइन और टू अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन कॉल्ड मेरिडियन। अब इस पूरी स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर हम फॉर इंस्टेंस लाइन ए बी और बी सी लेते हैं और मुझे लाइन ए बी का डायरेक्शन बताना है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि लाइन ए बी जो है वो कुछ एंगल पे है, थीटा पे है, किसके रिस्पेक्ट में, बी सी लाइन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब मैंने एंगल डिस्क्राइब किया तो मैंने एंगल डिस्क्राइब किया विथ रिस्पेक्ट टू लाइन बी सी। क्लियर? तो आप इस तरीके से एक एंगल बता सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, या अगर मैं मेरिडियन से बात करूँ कि मेरिडियन से कैसे लेना है, तो उसमें मेरिडियन क्या होता है कि आपने एक फिक्स्ड रेफरेंस ले लिया। मतलब मैंने क्या किया, ये जो ये लाइन है इसको मैंने क्या ले लिया, अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। अब इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में मैं क्या मेजर करूंगी, मैं एंगल मेजर करूंगी। ये एंगल लाइन एच जी, अब ये लाइन एच जी एंगल बना रही है अल्फा किसके रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो जब मैं एच जी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो एच जी का जो एंगल है वो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में, और जब मैं ए बी का एंगल रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू लाइन बी सी। तो ये दो तरीके हैं किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी लाइन का एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसे बोला जाता है टू अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन कॉल्ड मेरिडियन। अब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोला जाएगा एक मेरिडियन। ये जनरली हम नॉर्थ लेते हैं, जो आप जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम ये जो एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ मेजर करते हैं, तो हमारी जो मेरिडियन होती है उसमें वो क्या हो जाती है, नॉर्थ हो जाता है। क्लियर? तो आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब हमें जैसे अभी पता चला कि हमें बहुत सारे एंगल्स मेजर करने होंगे, चाहे हम एक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में उसको मेजर करें, चाहे एक एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ वाली लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल को मेजर करें। तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो एंगल्स मेजर करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है एक कंपस। तो आप ये हमें कंपस है हमारी, जिसके हेल्प से मैं क्या मेजर कर सकती हूँ, एंगल मेजर कर सकती हूँ, या फिर एक थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये टेलीस्कोप लगा है और इस टेलीस्कोप में रोटेशन पॉसिबल है, चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन में है चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो वो आपको क्या अलाउ कर रहा है, वो अलाउ कर रहा है कि आप एंगल्स मेजर कर सके, अलॉन्ग विद जब आप इसको साइट कर रहे हैं, चाहे आप किसी पोल को साइट कर रहे हैं या कोई भी आप चाहे रेंजिंग रॉड को साइट कर रहे हैं, तो थियोडोलाइट में वो मूवमेंट अवेलेबल है जो डंपी लेवल
और ऑटो लेवल में इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। एक फिर एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोला जाता है बॉक्स सेक्सेंट। तो इससे हेल्प से भी आप क्या मेजर कर सकते हैं, आप एंगल मेजर कर सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर द एंगल्स। इस लेक्चर में या इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंपस को कैसे यूज किया जाता है टू मेजर एंगल्स। अब कंपस सर्वेइंग की बात करते हैं। When a compass is used for traversing, it is called compass surveying or compass traversing. जैसे triangulation के लिए हम chain surveying use करते थे, वैसे traversing के लिए हम क्या कर सकते हैं, compass use कर सकते हैं और उसको क्या बोल सकते हैं, compass surveying. In compass surveying, the compass is used to determine the direction of survey lines of the traverse. तो जो भी traverse की survey lines हैं, ये सारी A, B, B, C, ये सब survey lines हैं और इनका जो एंगल आपने या डायरेक्शन जो आपने डिटरमिन करना है वो आप किससे डिटरमिन कर सकते हैं, कंपास से डिटरमिन कर सकते हैं। द डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द एंगल व्हिच दीज लाइंस मेक विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहाँ पे जो हमने मेरिडियन लिया है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हम रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, इस रेफरेंस लाइन को आप नॉर्थ ले सकते हैं। अभी नॉर्थ था क्या, ये नॉर्थ है मैग्नेटिक मेरिडियन। जो मैग्नेट या जो कंपस है वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ जो दिखाएगा, उस मैग्नेटिक नॉर्थ के रेफरेंस में हम क्या लेंगे, इस एंगल अल्फा को मेजर करेंगे जब हम कंपस सर्विंग कर रहे हैं। सो जब आप ये सिंपल एक क्वेश्चन बनता है कि कंपस सर्विंग में क्या मेरिडियन यूज करते हैं, हम मैग्नेटिक मेरिडियन यूज करते हैं और वो जनरली क्या होता है, आपका नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ। The process of chaining and offsetting is same as in chain surveying and running of check lines is not necessary. अब अगर आपको chain surveying याद होगा तो chain surveying में हमें offsets भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप कोई line को survey कर रहे हैं, किसी भी line को, तो आपको बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि आप offsets भी लें। तो वो offsetting का जो method है वो same रहेगा जैसा आप chain surveying में कर रहे थे, और जैसे हम चेन सर्विंग में चेक लाइंस बनाते थे ये देखने के लिए कि एरर तो नहीं है, वो यहाँ पे कंपास सर्विंग में इतनी नेसेसरी नहीं होती जितनी चेन सर्विंग में उनकी नेसेसिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे एरर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। सूटेबिलिटी ऑफ कंपास सर्विंग, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कंपास सर्विंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। व्हेन द सर्वे डिटेल्स आर रिक्वायर्ड अलोंग द लॉन्ग नैरो स्ट्रिप, जैसे आप रोड या रेलवे लाइन के या स्ट्रीम के अलोंग सर्वेइंग कर रहे हैं, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप, रोड भी लॉन्ग नैरो स्ट्रिप होगा, एक रेलवे लाइन भी लॉन्ग नैरो स्ट्रिप होगी, स्ट्रीम भी या कनाल भी जो है वो लॉन्ग नैरो स्ट्रिप होगी, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, कंपास सर्विंग। व्हेन द एरिया कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल सच एज इन टाउन्स, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत क्लस्टर्स में आपके पास बिल्डिंग्स हैं या इस तरीके की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखी है या बहुत डेंस फॉरेस्ट्स हैं, तो उस केस में ट्रायंगल्स बनाना फील्ड पे मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कंपास सर्वे यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द ग्राउंड इज लार्ज, अगर बहुत बड़ा एक ओपन ट्रैक्ट है, ओपन ट्रैक्ट मतलब बहुत बड़ा एक खुला मैदान है, तो वहाँ पे अगर आप ट्रायंगल्स बनाएंगे, ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो उस केस में भी आप क्या यूज कर सकते हैं, कंपास सर्विंग यूज कर सकते हैं। व्हेन लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस एंड कन्वीनियंट टाई लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं और उस लाइन की लेंथ बहुत ज्यादा है और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन बनना मुश्किल हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फिर से आप कंपास सर्विंग या कंपास ट्रैवर्सिंग यूज कर सकते हैं। व्हेन सर्विंग इज डन इन अ जंगल और इन अ डेंस फॉरेस्ट, ये सेम पॉइंट है जो ये वाले दो पॉइंट्स हैं, ये सेम है, रीजन सेम है कि ट्रायंगल्स नहीं फॉर्म किए जा सकते जंगल या डेंस फॉरेस्ट में भी। नेक्स्ट इज व्हेन द कंट्री इज हिली वेयर चेनिंग इज टीडियस एंड लायबल टू एरर, अगर आपके पास बहुत ज्यादा अंडुलेशंस हैं इस तरीके के, बहुत उतराई चढ़ाई है या जो एरिया है उसमें बहुत स्टीप चढ़ाई है या बहुत स्टीप उतराई है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको चेन, आप चेन तो इस लेवल पे रखेंगे, चेन तो हमारी इस तरीके से जाएगी, अब ये तो क्या आया आपके पास, ये आपके पास इंक्लाइंड डिस्टेंस आया। हमें जनरली क्या चाहिए होता है,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए होता है। तो उस केस में चेन सर्वेइंग में आप एरर कर सकते हैं, जब आप हिली टेरेन में या बहुत ज्यादा अंडुलेशन वाली जगह पे अगर आप चेन सर्वेइंग यूज कर रहे हैं। तो इन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कंपास सर्वेइंग इस तरीके की टेरेन में, सुटेबल फॉर सर्वेस वेयर स्पीड ऑफ द सर्वे इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत फटाफट से तेजी से एक सर्वे मैप बनाना है उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का, तो हम किसको प्रेफर कर सकते हैं, कंपास सर्वेइंग को, क्योंकि ट्रायंगुलेशन जो है वो एक डिटेल मेथड है और एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप चेन सर्वेइंग कंपास सर्वेइंग यूज कर सकते हैं। कहाँ पे अनसुटेबल है, कहाँ पे आपको कंपास सर्वेइंग नहीं यूज करनी चाहिए, जहां पे मैग्नेटिक रॉक और आयरन ओर होगा। ये बहुत ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जहां पे कुछ मैग्नेटिक चीजें अवेलेबल होंगी वहां पे हमें कंपास सर्वेइंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कंपास जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के बेस पे है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब कि वो मैग्नेट की जो प्रिंसिपल है उसकी हेल्प से आपको नॉर्थ डायरेक्शन दे रही है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब डायरेक्शन दे रही है। पर अगर कुछ मैग्नेटिक मटीरियल प्रेजेंट होगा उस एरिया में जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हैं, तो नीडल में जो आपकी कंपास की नीडल होगी उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी, और वो जो डिफ्लेक्शन होगी उसकी वजह से जो आपको नॉर्थ मिलेगा वो ट्रू नॉर्थ नहीं होगा। मतलब मान लेते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे था, बट क्योंकि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट था उस एरिया में, तो आपकी नीडल क्या कर जाएगी, आपकी नीडल ये दिखाना चाहिए था आपकी नीडल को, पर आपकी नीडल ने ये ना दिखा के कैसा दिखाया हमें, कुछ इस तरीके का डायरेक्शन दिखाया, ठीक है। तो ये जो ये डायरेक्शन है ये नॉर्थ नहीं है, हमारे पास नॉर्थ तो कौन सी डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो तो यहाँ था, बट क्योंकि कुछ मैग्नेटिक रॉक या आयरन और इस तरीके से मटेरियल्स प्रेजेंट थे तो वो डिफ्लेक्ट कर गए उस डायरेक्शन में, तो वहां पे आप कंपास सर्वेइंग अवॉइड करेंगे। लेस एक्यूरेट देन थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। अब थियोडोलाइट का प्रिंसिपल भी ट्रेवर्सिंग ही रहता है, बट जब आप कंपास सर्वेइंग की बात करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। और थियोडोलाइट का हमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं होता कि मैग्नेटिक मटीरियल जहाँ पे प्रेजेंट है या लोकल अट्रैक्शन जहाँ पे है वहां पे हम थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग ना कर पाए, तो ये एक एडवांटेज है थियोडोलाइट की। सो इन सच केसेस आपको अवॉइड करना चाहिए कंपास सर्वेइंग। सो आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि क्या क्या मेथड्स होते हैं ट्रायंगुलेशन एंड ट्रेवर्सिंग, व्हाट इज अ ट्रेवर्स, हाउ टू मेजर और व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स टू यूज टू मेजर एंगल्स, और कंपास सर्वेइंग की एक बेसिक इंट्रोडक्शन। In the upcoming lectures, we'll discuss compass serving in great detail. Thank you and stay tuned.